खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में चला लाठी डंडा, चार घायल। कौशाम्बी जिले कोखराज थाना क्षेत्र के हिसामपुर परसखी गांव के मजरा टढ़हर में खेत के मेड़ के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, जिसमें चार लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक टढ़हर निवासी हरिशंकर पुत्र नथुलाल तथा छेदीलाल पुत्र रामनाथ के बीच खेत की मेड़ को लेकर कई महीनों से विवाद चल रहा है। गाँव के बाहर पहले हरिशंकर का खेत है, उसके बाद छेदीलाल का खेत है, जिस पर हरिशंकर अपने खेत की मेड़ से छेदीलाल व उसके परिवार वालों को जाने से मना करता है, परंतु छेदीलाल भी उसी रास्ते से ही आगे रोज जाता है। इस विवाद की सूचना स्थानीय पुलिस को पहले भी हरिशंकर द्वारा दी गई, परंतु पुलिस हीला हवाली करती रही, कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके चलते दबंगों का मन बढ़ गया, जिस पर मंगलवार को करीब 11 बजे सुबह दोनों पक्षों में खेत पर ही विवाद हो गया और मामला इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में भी पहले पक्ष से पप्पू पुत्र बद्री प्रसाद तथा चंद्रभवन पुत्र हरिशंकर तथा दूसरे पक्ष से अनिता देवी पुत्री राजेंद्र घायल हो गई। इसके बाद दोनों पक्ष घायलों को लेकर स्थानीय पुलिस चौकी शहजादपुर गए, जहां पर पुलिस ने उन्हें थाने जाकर रिपोर्ट लिखाने को कहा। दोनों पक्षों के शेष बचे लोग पुनः चौकी के ही समीप भिड़ गए तथा लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें हरिशंकर व उसकी पत्नी धनपति भी घायल हो गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को छुड़ाते हुए घायलों के इलाज के लिए भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। लोग बाद में उसके बाद फिर आज बबलू जो है बबलू दारू पी के गया था और हमारी लड़की को पूरा फाद गाली दिया। गाली देने के बाद जब वो पहुंचा तो हम छुटावे के लिए मना कर रहे हैं, उनको समझावर रहे, लेकिन बाद में फिर हमारे ये भतीज जो हमारा तो खड़ा ये नाती एको लपटिया करके कम से कम 3-4 लोग उनको मारे, हमारी लड़की को छोटा पकड़ के उसको मारने लगे, हम छुटाने लगे। फिर उसके बाद आप चौकी आए, आप भाई को जो है एक लाठी मारी नहीं, उनके खपड़ी फट गई। खपड़ी फटने के बाद फिर हमको भी 3-4 लोग लपटिया के हमको मारी लाठी। फिर आप लोग कहाँ गए? हम लोग चौकी आए, चौकी में कोई सुनाई नहीं, कहेंगे आप लोग थाने जाइए। फिर यहाँ आए, रुका रहे थे टेम्पू, हम लोगों का खींच के जबरदस्ती जो है 5-6 लोग मारने लगे। अच्छा अच्छा, चौराहे पर। फिर चौराहे के बाद फिर हम लोग फिर वहाँ गए, वहाँ रिपोर्ट लिखाए, रिपोर्ट लिखा के वहाँ पुलिस वाले ने कहीं मेडिकल कराओ। आपका नाम? श्री हरिशंकर। हमारे गांव में मतलब हमारे परिवार हमारी बाग बगीचा है, बगल में जमीनी विवाद है, इनसे हमारा पहले पुराना जमीनी विवाद चल रहा था। उस पर एक बबलू नाम का लड़का मतलब उनके परिवार का मतलब पिता का नाम उनके राजेंद्र पटेल, उसके बाद वो आके हमारी बहन को गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हमारे पिताजी गए छुटाने के लिए, मतलब उनके ऊपर भिड़ गए। फिर हमारे भाई गए उनके ऊपर भिड़ गए, हमारे भतीज थे उसके ऊपर भिड़ गए, मतलब सभी पूरा परिवार भिड़ के हमको सबको मारने लगे। हम वहाँ से जान छुटा के भागे, हम सब चौकी में दरखास्त देते हैं, चौकी आए तो चौकी वाले बोले कि थाने जाइए। थाने जब चौराहे तो हम चौराहे तरफ आए ना, उसके बाद चौराहे तरफ जो टेम्पो रुका हमने बैठने चाह, तो लोग सब पहले से डंडा लाठी लेकर तैयार थे चौराहे पर, चौकी के सामने हमको बगल में हमको ये सबको फिर मार टेम्पो से खींच के हमको फिर लाठी डंडा से मारने लगे। फिर वहाँ चौराहे वाले ने हमको बचा के किसी तरह भेजा हमको, फिर गए कोकरा से फिर हमारी दरखास्त लिखी, उसके बाद गए वहाँ मूरतगंज सरकारी अस्पताल में डॉक्टरी रिपोर्ट बनवा के फिर यहाँ दे के फिर हम लोग आए। क्या नाम है? हमारा नाम है चंद्रभान। और गांव टढ़हर। थाना कोकरा।